हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं समीर खोखर, आप देख रहे हैं समीर के रिव्यूज़। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करूंगा एक बॉलीवुड की मूवी जिसका नाम है बाला। जी हां, बाला, वो वाला बाला नहीं, बाला बाला बाला, वो वाला बाला नहीं है, ये दूसरा वाला बाला है। और मूवी वैसे थोड़ा लेट रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली कल रात को ही देखी है। वैसे काफ़ी टाइम पहले ही मेरे पास मूवी आ गई थी, मैंने डाउनलोड कर ली थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन ये कि मूवी की अगर बात की जाए, इसकी डायरेक्शन दी है अमर कौशिक ने। अमर कौशिक जो इससे पहले काफ़ी मूवीज़ प्रोड्यूस तो कर चुके हैं, और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो उन्होंने डायरेक्ट की थी एक मूवी आई थी स्त्री, जो हॉरर कॉमेडी थी, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। अगर मूवी की कास्ट की बात की जाए तो इसमें हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो कि भाई आजकल जो है उनकी हर मूवी जो है माशाल्लाह से सुपर हिट मूवी होती है, काफ़ी हिट होती है उनकी मूवीज़, क्योंकि उनका स्क्रिप्ट ऐसा होता है चूज़ करने के, स्क्रिप्ट सिलेक्शन उनकी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। बजट मूवी का हमेशा भले थोड़ा कम होता है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि उनकी जो है कुछ स्टोरी जो चूज़ करते हैं वो बिल्कुल हटके होती है। और बाला में जैसे आयुष्मान खुराना, उनके साथ यामी गौतम है, उसके अलावा इनके साथ जो है भूमि पडनेकर हैं, सौरभ शुक्ला हैं, इसके अलावा सुनीता रजवाड़ हैं इसमें, इसके अलावा आपको जो है अभिषेक बैनर्जी इसमें नज़र आएंगे, और मेरे सबसे फेवरेट जो है अपना जावेद जाफरी साहब इसमें आपको नज़र आएंगे, और भी इसके अलावा काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। और मूवी की अगर स्टोरी की बात की जाए, जैसे आप लोगों को पता होगा, आपने ट्रेलर वगैरह देखा हो, तो एक गंजे इंसान के ऊपर ये मूवी है जिसका नाम है बाला। बाला मुकुंद जैसे इसका बेसिकली इसका नाम है बाला मुकुंद शुक्ला, लेकिन उसको बाला पुकारा जाता है। और वो जो है इस तरह एक कैरेक्टर है अपने स्कूल डेज में, जिसपे हर लड़की उस पर लाइन मारती है, मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से उस तरह जो उसमें जिस तरह दिखाया गया, मतलब क्लास के टाइप जिस तरह होता है, तो वो शाहरुख खान की मिमिक्री वगैरह करता है और अपने लहराते बाल और इस तरह। और उनकी क्लास में जो होती है क्या नाम है, भूमि पडनेकर यानी कि लैतिका जो है, लैतिका इसमें मिश्रा, सॉरी लैतिका त्रिवेदी, हाँ लैतिका त्रिवेदी इसमें जो दिखाई गई है वो इनकी क्लास में होती है, उनका कलर होता है काला। और ये वो मतलब ये जो है उनको काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, बाला जो है आयुष्मान खुराना काफ़ी उनको मतलब इस तरह, क्योंकि उनके कम्प्लेक्स जो है वो काली है, उनका जो है कलर जो ब्लैक है इस तरह। तो ये एक इस तरह स्टोरी है। फिर आगे चल के ये होता है कि जब बड़े हो जाते हैं, 25 साल के तकरीबन हो जाते हैं, तो उसके बाद वो हो जाते हैं गंजे, और गंजे होने के बाद उनको किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, किस तरह रिजेक्शन फेस करनी पड़ती हैं, लड़कियां उनसे दूर भागती हैं, वही बाला जिसपे लड़कियां मरती थी, लड़कियां उसके लिए पागल थी, अब अचानक से लड़कियां उससे बिल्कुल ही दूर भागती, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ देती है और किसी और से जो है मतलब किसी और के साथ चली जाए, तो इस तरह स्टोरी है इसमें आपको नज़र आएगी। और वो कैसे हमेशा कैप पहनते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, इनका जो प्रोफेशन इसमें दिखाया गया, ये मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में किसी कंपनी में मार्केटिंग के उसमें है, प्रिटी यू के नाम से एक जो है क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, वो इसके मार्केटिंग में उसकी टीम में है, और ये इसकी मार्केटिंग करते रहते हैं, इसके सेल बढ़ाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, लेक्चर्स देने लगते हैं कि भाई आप लोग को जो है कॉम्प्लेक्स है, अगर आपका कलर जो है काला है, अगर रिश्ते नहीं आते और प्रॉब्लम्स है, तो आप ये हमारी क्रीम ट्राई करें, तो आप लोग का कलर जो है 5 हफ्तों में जो है गोरी ने और रंगत जो है प्राप्त करें, और इस तरह मतलब जो इनके जो डायलॉग्स वगैरह हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छी एक सिंपल मूवी है, बहुत ही सिंपल है। आप देखने में मतलब आपको यही फील होगा कि आपके आस पड़ोस की किसी की स्टोरी है, क्योंकि इस तरह की कहानियों से आप भी ज़रूर वाकिफ़ होंगे, मैं खुद भी वाकिफ़ हूँ, मेरे एक आध दोस्त भी ऐसे ज़रूर हैं जो जिनके साथ भी ये मसला है, वो भी हमेशा बेचारे कैप पहन के रहते हैं, बस ये कि सोते वक्त शायद वो कैप उतार देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी के, इसमें जो है एक रियलिटी भी दिखाई गई, एक लाइटर मूड में थोड़ा सा हल्की कॉमेडी, तो इतनी ज़्यादा मतलब पंच लाइन्स नहीं है, थोड़े बहुत उसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी ज़रूर, लेकिन बेसिकली जो इसका जो मकसद है, इसको जो मतलब जो डायरेक्टर जो दिखाना चाह रहे, जो इशूज़ हैं, जो इस तरह के लोग हैं, इवन गंजे के अलावा अगर काले लोग, किसी को ब्लैक कम्प्लेक्शन है उसकी, उस पर होता है, पतले और मोटे वाला काफ़ी होता है। मैं स्कूल में काफ़ी ये चीज़ फेस करता था, क्योंकि मैं पतला था काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर अभी भी शायद आप लोग बोलते हो यार अभी भी तो पतला है, लेकिन उस टाइम कुछ ज़्यादा ही था, तो ककड़ी और ये वो कुछ, इवन कुछ लड़के बोलते थे लड़की लगता है तो तेरे हाथ तो लड़कियों जैसे हैं, इतना पतला ऐसा वैसा, तो ये चीज़ें हम लोग फेस कर, इवन जो इसमें मूवी में भी थोड़ा सा दिखाया गया कि ये हम लोग की एक रियलिटी, मैं भी ये चीज़ मानूंगा, जो कि बाद में जो है बाद में बड़े होकर मुझे भी ये चीज़ हुआ कि यार ये गलत चीज़ थी, वो ये थी स्कूल में भी हमारे एक सर होते थे, तो उनको हम थोड़ा सा चिढ़ाते थे, एक पोपाया कार्टून्स आते थे उस टाइम में, तो कुछ लड़कियों ने उनका नाम पोपाया रख दिया था, वो गंजे से उस तरह थे, तो उनको हम चिढ़ाते थे। या एक हमारी जो है केमिस्ट्री की वो उसकी सॉरी बायोलॉजी की जो है मिस थी, उनको जो है कुछ लड़के मेंढक के नाम से बुलाते थे, फ्रॉग जैसे, मतलब ये स्कूल में हर किसी के साथ होता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसमें भी वही लाइटर नोट पे वही दिखाया गया कि यार गोरा कलर काला कलर इससे नहीं होना चाहिए, इंसान की जो शख्सियत है, इंसान की जो पर्सनैलिटी है, उसका जो नेचर है, उसका जो अखलाक है, उसकी जो मतलब
उठना बैठना उसको ज़्यादा वो चीज़ें मैटर करनी चाहिए उनकी, लेकिन इसमें वही रियलिटी दिखाई गई है जैसे कि इसमें यामी गौतम है और यामी गौतम की शादी जिस तरह आयुष्मान खुराना से होती है, किस तरह फिर जो है इनके प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में उनके गंजा होने से। ज़्यादा मैं स्टोरी को रिवील नहीं करूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ, अक्सर लोग आप लोग जो सवाल करते हो कि आपने देखी क्या मूवी, तुमने देखी है नहीं, तुमने शायद रिव्यूज़ देख के तुम बोल रहे हो, तो भाई मैंने बिल्कुल मूवी देखी है, ठीक है। कहाँ देखी है मैं आप आ जाए इतना ज़रूर बता दो, अक्सर आप लोग सवाल करते हो। मैंने जो इंटरनेट सर्वर पर देखी, अब कौन सा सर्वर है क्या है, मेरे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके मैंने सर्वर पर ये मूवी देखी है, अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता भैया, ठीक है ना। तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लगी मैं भाई, इसमें थोड़ा सा रिव्यू शायद मेरा लंबा हो जाए क्योंकि मैं मुसलसल बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये देख के लास्ट के कुछ सीन में मैं ज़रूर इमोशनल भी हुआ, और मुझे जो एक रियलिटी हमारी सोसाइटी की ज़रूर नज़र आई कि हम नुक्स निकालने में ज़रूर करते हैं। इवन ये कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया गंजा या काला या इस तरह, इवन कुछ लोगों की आँख अगर थोड़ी सी ऐसे छोटी या इस तरह होती है उनको काणा और इस तरह ये चीज़ें, इवन मेरा भी एक दोस्त है उनको बहुत ज़्यादा लोग इस तरह काणा कहते थे, कोई नींद की गोली और इस तरह उनको जो है टाइटल दिया जाता है, तो ये एक रियलिटी है वही मूवी के थ्रू दिखाई गई है। और गोरेपन के पीछे, गोरे जो है बेसिकली क्रीम्स गोरों ने इजाद किए हैं, लेकिन वो खुद जो है अब जो है गोरे काले का फ़र्क ख़त्म करके आपस में जो है मिल बैठ के बांट के मतलब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारे जो है जैसे कि एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली जो है इंडो पाक में जो है पाकिस्तान इंडिया में ये चीज़ आज तक है कि गोरा रंग तो बस क्या बात है यार, अगर किसी लड़की का गोरा रंग है तो कहेंगे कि भाई उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत है नहीं, तो वही चीज़ इसी में मूवी में दिखाई गई। और आयुष्मान खुराना हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग मुझे लगी, बहुत ही मतलब रियल बिल्कुल ही वो जो कैरेक्टर में जिस तरह ढल जाते हैं आप उनको देख के, आपको यही लगता है कि आप इसको इसमें मूवी में बाला नाम के बंदे को देख रहे हैं, आप आयुष्मान खुराना को भूल ही जाते कि इससे पहले जो आयुष्मान खुराना आप देख रहे थे ड्रीम गर्ल में जैसे लास्ट टाइम आए थे या बधाइयों में थे, तो आपको बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट बंदा नज़र आता है। और क्या नाम है उसमें इस तरह कुछ चीज़ें ये भी दिखाएंगे कैसे वो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या हेयर सर्जरी के नाम पे आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा जाता है और लोग पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए होते हैं कि यार वो बस चाहते हैं कि हमारे बाल आ जाएं अच्छे दिखने लगे हम, तो ये चीज़ें तो हैं हमारे माशरे में, तो उसी चीज़ को हाईलाइट की गई। यामी गौतम के बारे में कहूँगा कि यामी गौतम की एक्टिंग मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी, बहुत ही अच्छी। बहुत टाइम बाद में ये कहने के मैं ज़रूर कहूँगा, इनके पहले भी मैंने कुछ मूवीज़ देखी हैं तो ये काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस लगती हैं, ये वो सिर्फ दिखावे के लिए एक शोपीस टाइप एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं है, जो मैं एक दो नाम ज़रूर लूँगा, कृति सैनन हो गई जैसे कि, उसके अलावा कृति कुलारी है, दो चार और भी नाम हैं जो सिर्फ ऐसे ही शोपीस के, तो मतलब एक जस्ट हीरोइन का नाम मतलब एक जो है फिल करना है कि एक फीमेल दिखानी है, लेकिन इनके होने से काफ़ी फर्क है। यामी गौतम की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरह उनके फेस एक्सप्रेशन है और जिस तरह उनके जो डायलॉग डिलीवरी है, मुझे तो काफ़ी स्पेशल इस मूवी में मज़ा आया। और उसके बाद जो तारीफ ज़्यादा तारीफ की जाए वो है भूमि पडनेकर की, भूमि पडनेकर का भी काफ़ी फ़ैन हूँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा से मैं इनको काफ़ी मतलब लाइक करता हूँ, इनकी काफ़ी मतलब एक्टिंग मुझे पसंद है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक जो काले कलर वाली एक लड़की है, ब्लैक कलर है, वो किस तरह बेचारी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, किस तरह जो फेस करती है उन पे, जो लोग जो है जुमले कसते हैं उनको, जो है डिफरेंट नामों से बुलाते हैं पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीज़ दिखाई गई। फिर उसके बाद वो जो एक वकील बन जाती है, कि एडवोकेट बन जाती हैं, किस तरह जो आगे ये मतलब केस भी लड़ती हैं और जो भी चीज़ें, बस ज़्यादा काफ़ी चीज़ बोल गया, आप बोलोगे यार ज़्यादा नहीं के चक्कर में तो मैं काफ़ी चीज़ें बता दिए, तो वह काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा इसमें नरेशन आपको सुनने को मिलेगी जो कि विजय सर की, विजय राज सर की, वो भी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी स्टार, मतलब वो इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे वो बाल हैं खुद, तो उसमें एक लाइन बोलते हैं कि बाल और बजरंग बली का जो है एक ही तरह की कुछ है, उन पे भी तेल चढ़ाया जाता है और बालों को भी तेल चढ़ाया जाता है, इस तरह एक कुछ उनके जो नरेशन में वो एक चीज़ बोलते हैं। उसके अलावा एक और इनके नरेशन में एक और बात है या डायलॉग कह लें कि वो कहते हैं कि कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, अगर खुद ही का कुत्ता काट ले तो 28 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो डायलॉग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा भी मतलब इसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा आपको ह्यूमर भी नज़र आएगा और सॉन्ग वगैरह भी दो तीन हैं, तो ओवरऑल अच्छी मूवी है, काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, मतलब कि मैं यही कहूँगा कि ये मूवी नहीं है, ये एक इमोशंस हैं, ये जो एक मतलब रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, लोग किस तरह मतलब आपको जो है घोरे काले और इन चीज़ों पर आपके लुक्स पर आपको जज करते हैं, तो वही हकीकत इसमें जो है मूवी के उसमें दिखाई गई है, तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इसके अलावा स्पेशली मैं ज़रूर बात करना चाहूँ सौरभ शुक्ला साहब की, वो कल्लू मामा जो उनके नाम से हम जानते हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की इसमें आयुष्मान खुराना के जो फादर हैं। उसके अलावा सुनीता रजवार जो है उनकी एक्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो इसमें मदर का रोल कर रही है इनके जो हैं
क्या नाम है आयुष्मान खुराना के, उसके अलावा इनके भाई का कैरेक्टर जिसने रोहन का कैरेक्टर किया उस बंदे की भी एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके अलावा जो है अभिषेक बैनर्जी जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इनके फ्रेंड भी है बाला के, उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगी। उसके अलावा हाँ जावेद जाफरी साहब की काफ़ी एक्टिंग अच्छी लगी, और उनका एक हेयर स्टाइल एक पुराना टाइप थोड़ा अमिताभ टाइप टच, मतलब अमिताभ सर जो पुराना जो उनका एक लुक था उस टाइम में वो थोड़ा सा स्टाइल है उनका बोलना, जैसे कि ये मूवी बेसिकली कानपुर के उसमें दिखाई गई, कानपुर सिटी को इसमें दिखाया गया है, और कानपुरिया जो उनका जो लहजा जो स्टाइल में वो जो जावेद जाफरी साहब बात करते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। और बाला को जिस तरह वो मशवरे वगैरह देते हैं और गाइड करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें जैसे जो ऑफिस के हवाले से भी दिखाया गया, जैसे मार्केटिंग की जॉब ये कर रहे होते हैं आयुष्मान खुराना बाला जो हैं, उनको किस तरह प्रेशराइज़ किया जाए, जाएँ भाई आप मार्केटिंग करें, प्रोडक्ट को सेल करना है, आपने टारगेट अचीव करना है इस तरह। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि यार मूवी स्टार्ट में कहीं कहीं आपको थोड़ी स्लो लगेगी, स्लो इसलिए लगेगी क्योंकि स्टोरी प्रॉपर डेवलप होने में थोड़ा सा ज़ाहिर है डायरेक्टर ने कोशिश की कि उसको प्रॉपर दिखाया जाए, तो उस वजह से कहीं कहीं आपको लगेगा कि शायद थोड़ी मूवी स्लो है, लेकिन आगे चल के आपको ये मूवी, और मेरे ख्याल में ये मूवी उन लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मूवी उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जिनको हाउसफुल 4 पसंद आई है, जिनको हाउसफुल 4 सुपर हिट मूवी लगी है, थी मानते हैं कि उसने 200 करोड़ से ऊपर बिजनेस कर लिया है, लेकिन यार कुछ लेवल होना चाहिए कॉमेडी का। मैं इसमें बीच में उसकी बात कहाँ से कर रहा हूँ हाउसफुल 4 के, लेकिन एक बात है कि जिस तरह इसमें दिखाए गए जो डायलॉग्स हैं वो बच्चों वाले जैसे इसमें, बहरहाल अब कंपेयर करने की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग जिनको हाउसफुल 4 पसंद आई है ना भाई, उनको ये बाला फिल्म शायद पसंद ना आए। तो बस ये कि मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही मैं भाई बोल गया हूँ, लेकिन यार इस मूवी के लिए मैं और बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें जो है थोड़ा सा टिकटॉक के हवाले से भी दिखाया गया है, जैसे आजकल क्रेज़ चल रहा है टिकटॉक का, लोग किस तरह टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, तो यामी गौतम आयुष्मान खुराना साथ में किस तरह टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे मेरे फ्रेंड संजय की भी याद है वो किस तरह जो है आजकल टिकटॉक बनाते रहते हैं, और हर जगह इवन काफ़ी मैंने कुछ पुलिस वालों को भी यूनिफॉर्म में टिकटॉक बनाते हुए देखा है। उसके अलावा मुझे एक डायलॉग यहाँ बड़ा अच्छा लगा, इनके रिश्ते की बात चल रही होती है, आयुष्मान खुराना की फैमिली उनकी मदर वगैरह होती हैं और यामी गौतम की, तो यामी गौतम की मदर कहती हैं हमारी बेटी जो है वो लखनऊ की एक बड़ी मॉडल है, पर मॉडल है, तो इसके आयुष्मान खुराना की जो बाला की जो मदर वो कहती हैं सुनीता रजवार जो है वो कहती हैं कि हमारे जो बेटे के भी कम नहीं है, हमारे जो कानपुर में कई लड़कियां जो रो रही हैं इस वक्त, मतलब बाला का यहाँ रिश्ता जो हो रहा है तो बेचारी लड़कियां इसके लिए रो रही हैं, तो काफ़ी मतलब ज़बरदस्त डायलॉग वगैरह का। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, मूवी के सब्जेक्ट के लिए मैं इसको 5 out of 5 देना चाहूँगा, और एक्टिंग वगैरह की अगर सब चीज़ों के हवाले से देखा जाए, डायरेक्शन हवाले से सब चीज़ ओवरऑल देखा जाए तो 4 star मैं इसको दूंगा 5 में से, लेकिन अगर इसके जो सब्जेक्ट जो उन्होंने चूज़ किया है ना उस हवाले से इसको 5 out of 5 देने चाहिए। तो होपफुली आप लोग को ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन यह है कि मैंने दिल से बोला है जो भी बोला है इसीलिए लगातार नॉन स्टॉप बोलता गया हूँ, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।